हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलो दोस्तों? आज मैं नोएडा में सेक्टर 38 में एरो से एक रेस्टोरेंट है वहां पर आया हूं, और यहां पर एक एरोप्लेन है इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, और वहां पे मैं आज बैठूंगा और देखो डाइनिंग का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे एक एरोप्लेन के अंदर एक मतलब रेस्टोरेंट ओपन हो सकता है। तो आइए हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम ये इसका अंदर जाने का एक रास्ता एरोप्लेन के। दोस्तों कैसे और एरोप्लेन्स की एक पैसेज होता है अंदर जाने का, इसमें भी ऐसे ही एक पैसेज बनाया हुआ है, पर इसको थोड़ा वेल डेकोरेटेड है ये। और अंदर जब मैं जा रहा था तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इसके अंदर मैं मतलब असली एरोप्लेन में जा रहा हूँ। वैसे तो ये सिर्फ एक मतलब रेस्टोरेंट ही है। अंदर एसी चल रहा है। तो देखो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और ये अंदर का एक्सपीरियंस है एरोप्लेन के। ये हमारे टेबल्स हैं। तो वैसे मैं बहुत बार एरोप्लेन में बैठा हूँ, पर ये अलग ही एक्सपीरियंस है इसका। तो देखते हैं अब अंदर कॉकपिट में जा रहे हैं। अभी शीशा लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हर जगह जगह आईने लगे हुए हैं, और हो सकता है इनके मतलब रेस्टोरेंट का एक मतलब अट्रैक्शन हो एक तरह से आईने का, तो इसीलिए इन्होंने मतलब लगा रखे हैं हर जगह। और दोस्तों यहाँ पर जो इनका मतलब मेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने कुछ यहाँ मतलब लिया नहीं। अगर सस्ता होता तो मैं इनसे मतलब लेता और कुछ खाता। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेन्यू है, अगर आपके बजट में आता है तो आप इसे मतलब जरूर लो। मेरे बजट में तो आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने यार कुछ भी नहीं लिया। तो फ्रेंड्स अब मैं इस एरोप्लेन के कॉकपिट में आ गया हूँ, और अब मैं देखता हूँ कैसे एक्सपीरियंस होता है इसे उड़ाने का। ये देखो पायलट यहीं पे बैठ के इसे उड़ाते हैं, और ये सारे मतलब कंट्रोल्स हैं इसके एरोप्लेन के। ये इसको ऐसे करते हैं तो ऊपर हो जाता है ये मेरे ख्याल से ना। और इसको कोई अगर ATC से या कोई बाहर कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो इसको ऐसे लगाकर आप अपनी बात बाहर जो पैसेंजर से उनको मतलब पहुंचा सकते हो। तो बहुत ही आजकल तो बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड एयरप्लेन्स आ गए हैं। देखो ऊपर कितने कंट्रोल्स हैं, यहाँ भी कितने कंट्रोल्स हैं। तो एक पायलट को सारा कुछ सोच समझ के मतलब चलाना होता है एरोप्लेन, इसीलिए इतनी। और ये इसका हैंडल है, इसे मोड़ने का इस तरफ। ये पायलट की सीट है, और ये साथ में मतलब को पायलट की सीट है, और ये सारे कंट्रोल्स हैं। जो मुझे इतना पता है इससे ये हैंडल है, इससे एरोप्लेन की डायरेक्शन चेंज होती है, और इससे ऊपर पर टेक ऑफ और उसके लिए क्या लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
तो बहुत ही अच्छा है, ये बढ़िया चीज है। और यहाँ तो बड़ी गर्मी है इसके अंदर, पीछे एसी चल रहा है। चलो अब बाहर चलते हैं। ये वहां से भी बाहर जाने का रास्ता है, यही है। एग्जिट कर सकते हैं, बट वहां से कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो अभी हम यहाँ से एंट्री किया, बाहर से एग्जिट करेंगे। बाहर एग्जिट है यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये है इसका एग्जिट है। देखो यहाँ से कैसे लग रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर फैमिली के साथ आओ और इन्जॉय करो। दोस्तों यहाँ पे मतलब फैमिली के साथ आओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ है इन्जॉयमेंट करने के लिए। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके इंजन का भी बारे में बता देता हूँ। इंजन का जो फैन है वो मतलब चल रहा है इसका। देखो इन्होंने एक रनवे का भी फील बना रखा है। ये इसका फैन है, घूम रहा है। इंजन इसके अंदर होता है पर इंजन हटा हुआ है। मॉल भी है, वहां चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है वहां का। सो फ्रेंड्स ये देखो ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, देखो। और इसे बोलते हैं क्या, फ्लाई डाइनिंग। ये ऊपर, ये मतलब नीचे लोग बैठते हैं फिर इसको ऊपर में जाते हैं और ऊपर लोग एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग स्टाइल के अलग अलग थीम बेस्ड रेस्टोरेंट है। आप भी यहाँ पर आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आज सिंगल हूँ। अगर कोई और दोस्त या क्या वाइफ साथ होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। सो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये हमारा आज छोटा सा बाहर का टूर अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सर्कल में अच्छे शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तब तक बताया।